इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करवाते हैं। दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ में बीजेपी की ओर से, आपका स्वागत है। मैम हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से संतोष गौतम जी, आपका स्वागत है। संतोष जी और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी, आपका बहुत स्वागत है। दिव्या जी, ये संघ में तो हमने देखा कि टिफिन पार्टी हो, एक साथ बैठ करके कार्यकर्ता भोजन करें, हालांकि अब बहुत हाई प्रोफाइल हाईटेक हो चुकी है बीजेपी, अब फाइव स्टार संस्कृति में बीजेपी की मीटिंग्स होती हैं, तो ये जो वापस जड़ों की ओर लौटने का जो संदेश दे रहे कि कार्यकर्ता घर से लाएं टिफिन, चाय पार्टी करें, बैठ करके चर्चा करें, क्योंकि अब ऐसा अब बहुत कम देखने को मिल रहा था बीजेपी के, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं बीजेपी के कार्यक्रम आयोजन या बैठकें, तो ये संदेश क्यों देना पड़ा है दिव्या जी? नहीं, पड़ा नहीं है। इस संदेश से एक आपसी जो समन्वय, भाईचारा, आपस का एक तारतम्य, जो एक एकजुटता, एक मत था, और जैसे कहना चाहिए कि हम जो एक अनौपचारिक इनफॉर्मल हमारी जो बातें होती हैं उसका भी एक अलग ही आनंद होता है, मजा होता है, तो क्यों ना हम उस मजे को वापस लौटना शुरू करें, क्यों ना हम वापस अपनी जड़ों की ओर जाएं। तो अच्छा संदेश है, बहुत ही अच्छा संदेश है। और जैसा कि आपने अभी लेबल करा कि फाइव स्टार संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नहीं रही, हम आसूदा न थे, न है, न मुझे लगता है कि कभी हो पाएंगे, क्योंकि हम गर्मी में पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता हैं और बरसात में हम कीचड़ में चलने वाले लोग हैं, इससे हमने तो कीचड़ में कमल खिलाने वाली पार्टी है, इससे हमने कभी ये ना सोचा है ना कभी इस बारे में कभी चिंता करी है कि किस तरह से, कहां, क्या, कैसे, तो परवाह करे बिना हमने काम करा है। एक अच्छी बात है अगर एक कोई घर में ये नसीहत देता है वापस अपनी जड़ों से होना चाहिए और ये भाईचारा बनाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है और स्वागत है इस चीज का जी। तो मुझे लगता है कि ये एक मेरा सवाल मूल यही था ना दिव्या जी, कि भाई आप कह रहे कहना नहीं पड़ा, संदेश दिया, ठीक है, लेकिन बात वही है ना कि नहीं हो रही थी वो चीज जहां से शुरू हुई थी बीजेपी, जो चने खा करके कार्यकर्ता आपके जो संस्थापक सदस्य रहे, जो पितृ पुरुष रहे पार्टी के, उन्होंने तो वो कठिन दौर जिया। हम आज के नेताओं में उस चीज का भाव देखते हैं, आप कह रहे हम धूप में पसीना बहाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत पैदल चलिए अलग बात है, लेकिन वो जो परिश्रम 1980-90 के दौर में हुआ करता था उससे नहीं लगता कि अब दूर हो गए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता? इसीलिए जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि भाई आपने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन वो जो आपसी प्रेम भाव था, जो एक दूसरे की चिंता फिक्र थी, या फिर पार्टी के लिए सोचने का जो वक्त चाहिए था, शायद उसकी कमी उन्होंने महसूस की होगी, तभी तो बात कही है दिव्या जी। नहीं, कमी के बजाय हो सकता है कि इसको आप इस ढंग से लें कि कभी ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी का शीशा ऊपर ही रह जाए, कभी ऐसा ना हो कि आप अपनी गाड़ी से उतरे ना और चर्चा ना कर पाए अपने लोगों के साथ, आपके घर के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। एक वो व्यक्ति जो एक टेबल के इस तरफ रहता है तो वो हमेशा दूसरों की सुनने के लिए हो और हमेशा आपका कान खुला रहना चाहिए लोगों के दुख दर्द के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये याद दिलाने वाली बात है। तो अगर कहीं आप कुछ कर रहे हो जहां आपको थोड़ा सा भी संशय हो, आप भूलने के उसमें स्थिति में हो, तो एक घर का बड़ा व्यक्ति आके आपको वापस याद दिलाता है तो बहुत अच्छी बात है। चल संतोष जी, तो देखिए यहाँ एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतना बड़ा सम्मेलन हो गया, दो दिन का दौरा हो गया, आपकी पार्टी में कहाँ हलचल है, यूथ कनेक्ट कार्यक्रम भी उन्होंने कर लिया और संदेश भी दे दिया कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का, भी ये भी उनको जता दिया कि इसी पार्टी में केवल युवाओं का भविष्य, की यहाँ पर एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता भी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, तो वो जो जोड़ गए हैं यूथ को जोड़ने की जो कोशिश की है बीजेपी ने, ये निकाय पंचायत चुनाव में उसको फायदा देगी, कांग्रेस कैसे अपनी तैयारी करेगी, क्या काट ढूंढ कर लाएंगे आप लोग? संतोष जी देखिए, दीपेश जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी यूथ को जोड़ने की बात कर रही है, ये कह रही है कि यूथ